अच्छा जी, स्केल क्या है? टूल और मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं चीजों को। ये हमारे पास स्केल है, स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। पहले आपके पास कौन सा है? नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल मैंने अभी कहा, जो रिसर्चर असाइन करता है सर्टेन कैटेगरीज, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये क्या है? नॉमिनल स्केल है आपके पास। और मेल फीमेल जैसे कैटेगरीज है, ये नॉमिनल स्केल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल स्केल के बाद आपके पास जो अगली एग्जाम्पल है वो ऑर्डिनल स्केल की आ जाती है, जिसमें आप डिफरेंस अमंग वेरियस कैटेगरीज लेकर आते हैं, लेस से आप हाई की तरफ लेकर आते हैं, इसको हम लोग ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 आपने उसे रैंक कर दिया। इसी तरह से अगला स्केल जो आपके पास आ जाता है वो इंटरवल स्केल आ जाता है, जिसमें आप इंटरवल मैंने अभी बताया आपको स्ट्रॉन्गली एग्री से लेकर स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरवल स्केल कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रेशियो स्केल है, ये जो आर्बिट्री ओरिजिन पॉइंट का जो प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करता है रेशियो स्केल, और इसमें आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं 0.5, 12.5, 13.5, 16.5, इसे हम जो है वो रेशियो स्केल कहते हैं। अब 1 से लेकर 8 तक है और ये उसको शो करेगा रेशियो स्केल। उसके बाद आपके पास स्केल्स को आप डेवलप करते हैं, आप रेट करते हैं, रैंकिंग स्केल्स बनाते हैं, और इसके अलावा रेटिंग की जाती है स्केल्स की मुख्तलिफ। उसमें आपके पास डाइकोटोमस स्केल है, कैटेगरी स्केल है, और आपके पास लिगट स्केल है, सिमिलैरिटी डिफरेंशियल स्केल है। ये डिफरेंट स्केल्स हैं जो आप जब क्वेश्चन एयर बना रहे होते हैं इन स्केल्स को आप क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो डाइकोटोमस स्केल है ये सिंपल आपके पास दो तरह ऑप्शन आ जाती है, येस और नो, ठीक है। येस और नो कहते हैं हम डाइकोटोमस स्केल। जो कैटेगरी स्केल है उसमें आपके पास जैसे अमान, जॉर्डन कहाँ रिसाइड किया, डिफरेंट ऑप्शंस आ गई, कैटेगरीज आ गई, इसे हम कैटेगरी स्केल कहते हैं। लिगट स्केल में आप स्ट्रॉन्गली एग्री से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री की तरफ जाएंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिगट स्केल। लिगट स्केल क्या है? इंटरवल स्केल है, जिसमें आपके पास स्ट्रॉन्गली एग्री से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक आ जाता है। सिमिलैरिटी डिफरेंशियल स्केल जो है वो गुड से लेकर बैड के दरमियान में, इसे हम सिमिलैरिटी डिफरेंशियल स्केल कहते हैं। न्यूमेरिकल स्केल में आपके पास 7-point स्केल है और 5-point स्केल है, जो एक्सट्रीमली एग्री से एक्सट्रीमली डिसएग्री तक आ जाता है। आइटमाइज स्केल भी यही है बेटा जी, 5-point और 7-point हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्गली एग्री से स्ट्रॉन्गली डिसएग्री तक, और लाइकली, वेरी अनलाइकली से वेरी लाइकली तक, ठीक है। उसके बाद आपके पास नॉट ऑल इंटरेस्टेड से लेकर वेरी मच इंटरेस्टेड तक, इसे हम एटमाइज रेटिंग स्केल कहते हैं। उसके बाद स्टेपल स्केल है, स्केल साइमल्टेनियसली मेजर बोथ द डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी, दोनों को मेजर करता है, इसे हम जो है वो स्टेपल स्केल कहते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है +1 से लेकर +3 तक, प्रोडक्ट इनोवेशन को करना है +1 से +3 तक, इंटरपर्सनल स्किल्स को करना है +1 से +3 तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टेपल स्केल कहते हैं, ठीक है। ग्राफिक रेटिंग स्केल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपको हेल्प आउट करता है, आप अप्रोप्रिएट पॉइंट और लाइंस एग्जांपल्स को देखते हैं, हम ग्राफिक रेटिंग यानी आप ग्राफ को से रेट डाउन करते हैं। रैंकिंग स्केल में सिंपल आप रैंक करेंगे 1 to 5, इसे हम रैंकिंग स्केल कहते हैं। अच्छा जी, गुडनेस ऑफ मेजर है, इसमें वही बात कि एक्यूरेटली आप गुडनेस ऑफ मेजर को उसी को रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो हमने पहले स्टडी किया था उसमें वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। आप इसको सिर्फ देख लें, गुडनेस ऑफ डाटा में दो चीजें, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी है, आप दो तरह से करते हैं, एक स्टेबिलिटी है और एक कंसिस्टेंसी है। स्टेबिलिटी में आप टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी देखते हैं और पैरेलल फॉर्म में रिलायबिलिटी को देखते हैं, और कंसिस्टेंसी में आप इंटर आइटम कंसिस्टेंसी को देखते हैं और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को जो है वो आप देखते हैं। सबसे पहले आपने आइटम एनालिसिस करना है, आइटम एनालिसिस के बाद जो है आइटम इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको आपने देखना है, उसके बाद उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को देखना है। रिलायबिलिटी क्या है? आप किस में बिजनेस डेटा के अंदर रहे और वो स्टेबल हो और उसके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है वो लाइक करे। स्टेबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मेजर टू रिमेन द सेम ओवर टाइम, जो टाइम के लिहाज से क्या रहती है, सेम रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी कहते हैं। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी में आप वही बात दोबारा करें तो बार बार उसको चेक करें तो तब भी आपकी रिलायबिलिटी क्या रहे? सेम रहे, ठीक है। रिस्पोंडेंट सेम है, आपके पास जवाब भी क्या रहना चाहिए? सेम रहने चाहिए, इसे हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी कहते हैं। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी में दो मेजर्स करें, बोथ फॉर्म्स की सेम टाइप की रिलायबिलिटी रहे, हम जो है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी जो है वो कहते हैं। कंसिस्टेंसी भी यही है, इंटर आइटम कंसिस्टेंसी है, आप द टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्पोंडेंट की जो आंसर करने की मेजर है वो देखेंगे आप, इसे आप इंटर आइटम कंसिस्टेंसी कहते हैं। उसके बाद वैलिडिटी है, ये भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी को भी चेक करते हैं आप लोग के कंटेंट सेम है नहीं है, उसको देखेंगे। जो क्राइटेरिया मेजर करना चाहते हैं वो मेजर हो रहा है नहीं हो रहा, उसको देखेंगे। उसके अलावा जो आपकी कॉन्करेंट वैलिडिटी है उसको भी आप यहाँ पे देखेंगे।